बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज आल्सो हैविंग ए मैग्नेटिक फील्ड। इट इज जस्ट एक्ट एज ए टिनी मैग्नेट। इट इज हैविंग ओन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस एज वेल एज अराउंड द और सराउंड द न्यूक्लियस। यानी अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, ये न्यूक्लियस है। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे क्रिकेट बॉल हम डालते हैं, स्पिन बॉल डालते हैं, ये अपने चारों तरफ तो इसका स्पिन है, उसके साथ साथ ही इसके चारों तरफ भी जो घूमता है उसके साथ भी स्पिन है। तो इट इज एक्ट एज ए टिनी मैग्नेट। समझ गए? जब ये टिनी मैग्नेट के तरह काम करता है, तो जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, सो दे शुड हैव द टू स्पिन्स। अगर एक प्लस क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर दिस इज मूविंग इन क्लॉकवाइज, दिस विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट्स एज प्लस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर, एंड एंटी क्लॉकवाइज दिस इज माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर। आप समझ गए? अगर इलेक्ट्रॉन इधर से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका प्लस ऑफ रीजन क्या है, स्पिन नंबर क्वांटम नंबर, और ये इधर अगर घूमता है तो दिस इज माइनस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। समझ गए? वी कैन राइट हियर स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and it have two possible values, plus half and minus half. समझ गए? The electron can move in an orbital either clockwise or anti-clockwise. यानि spin quantum number have two values, one is plus half and minus half. तो बच्चों ये हमने कंफर्म हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का हम कंप्लीट एड्रेस जानना चाहते, सो एज टू फाइंड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो नेल बोर ने बोला था द पोजीशन एज वेल मोमेंटम कैन बी फाउंड एक्यूरेटली, वो तो गलत हो गया था। तो ये जो चार क्वांटम बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वांटम नंबर्स वी कैन प्रेडिक्ट और वी कैन फाइंड आउट ऑल अबाउट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।